किसी भी तरह वहां तक पहुंचा दूंगी। रूपनगर की कारागार तक पहुंचने में हमें कोई नहीं रोक सकता। क्या तुम विजेंद्र प्रताप सिंह की मृत्यु का समाचार लेकर आई हो? मैं क्या करती हुजूर? तुम कोई परी नहीं हो सकती। अवश्य तुम रणवीर सिंह की कोई मायावी शक्ति हो। चली जाओ यहाँ से, अन्यथा आज हमारे हाथों किसी स्त्री का वध हो जाएगा। वो युवराज जो हजारों युवराजों की तरह चंद्रमुखी के लिए मन में लालसा लेकर आया था, मैं नहीं जानती थी कि वो ही मेरा प्रेम होगा। जाओ और विजेंद्र प्रताप सिंह को खोज निकालो। यदि खोज ना सके तो याद रखना, पत्थरों से तुम्हारा सिर को चलवा देंगे। जाओ। कुंवर, इसकी खाल जंगली पशु से भी ज्यादा मोटी है। तुम्हारे हाथ थक जाएंगे लेकिन इसका शरीर नहीं थकेगा। समय आने पर तुम दोनों भाइयों का मिलन अवश्य हो जाएगा, क्योंकि कुंवर विजेंद्र प्रताप सिंह भी तुम्हें खोज रहे हैं। हमें खोज रहे हैं? यदि सूर्य प्रताप हमें इन रूपनगर के जंगलों में ढूंढते तो अवश्य कहीं ना कहीं हमें मिल जाते। परी परागनी ने अवश्य सच ही कहा होगा, किंतु परी परागनी को जब विजेंद्र प्रताप सिंह मिल सकते हैं तो हमें क्यों नहीं दिखाई देते? ये हम किस दिशा में आ गए? इस जंगल के वृक्ष बहुत ही भयानक लग रहे हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने राज्य पहुंच कर ही रहेंगे। प्रताप सिंह को खोजते खोजते सुबह से शाम हो गई है, लेकिन उनका कहीं पता नहीं लग सका। पता नहीं कौन सा पथ समाप्त होने का नाम ही नहीं। कहीं हम गलत दिशा में तो नहीं जा रहे? यदि विजेंद्र प्रताप सिंह इस पथ से गुजरे होते तो हमें अवश्य मिल जाते, किंतु दूर दूर तक मनुष्य की परछाई तक नहीं दिखाई देती। क्या करें? हम वापस लौट जाएं? रात होने वाली है,
जंगली पशुओं की दृष्टि से हमें अपने आप को बचाना होगा, किंतु कोई सुरक्षित स्थान भी नहीं दिखाई दे रहा। पता नहीं विजेंद्र प्रताप सिंह कहां और कौन से पथ में भटक रहे होंगे। अंधेरा और भी गहरा होता जा रहा है, हाथों को हाथ नहीं दिखाई पड़ रहा है। अब आगे बढ़ना असंभव है, हमें यही कहीं सुरक्षित स्थान खोजना होगा। इस वृक्ष के नीचे हम सुरक्षित रहेंगे। रात्रि विश्राम के पश्चात आगे की ओर कूच करेंगे। बील की आवाज इस भयानक जंगल में रात्रि के अंधकार में ये कैसे ध्वनि है? सावित्री, अब तो थोड़ी सी भी आहट हमें इस तरह चौंका देती है जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा हो। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, किंतु मुझे ये बताओ, तुम मुझे बिना बताए कहाँ चले गए थे? आज पूरे 5 दिनों के पश्चात तुम मुझे मिले हो। तुम तो जानते हो ना कि तुम्हें देखे बिना मेरा क्या हश्र हो जाता है।
क्षमा करना सावित्री, इस जंगल में अब मनुष्यों का आगमन अत्यधिक बढ़ता चला जा रहा है। यदि मनुष्य इसी तरह हमारे जंगल की ओर बढ़ते रहे तो एक दिन हम लोग संकट में पड़ जाएंगे। तुम्हें पता है, तीन तीन युवराज अलग दिशाओं से हमारे रूपनगर के जंगलों की ओर आ रहे हैं। तीन तीन युवराज, इनमें से एक हमारे भाई सूर्य प्रताप सिंह भी होंगे। सावित्री, हमें अपने बच्चों को किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना होगा, अन्यथा इन मनुष्यों का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब क्या कर बैठे। तुम मनुष्यों की चिंता मत करो, यदि किसी मनुष्य ने हमारे बच्चों पे हानि पहुंचाने की चेष्टा की तो मैं अपना पूरा विष उगलकर उसे वहीं समाप्त कर दूंगी। और वैसे भी कोई भी मनुष्य हमारे बच्चों के समीप पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य की गंध मिलते ही मैं उनका पीछा करके उन्हें सदा सदा के लिए मृत्यु की नींद सुला दूंगी। कल रात उत्तरी पहाड़ियों के जंगलों में एक युवराज नागों के डेरों के समीप विश्राम करने लगा था। नागों के डेरे के समीप विश्राम? इसका तात्पर्य यह हुआ कि सभी नागों ने मिलकर उस युवराज के शरीर पर अपने विष्टन गड़ा दिए होंगे। नहीं, वो युवराज भाग्यशाली था। विषैले नागों को वो युवराज दूसरे मनुष्यों से भला लगा, इसलिए उसको जीवित वापस लौटने दिया। कहीं ये नाग नागिन हमारे बारे में तो बात नहीं कर रहे? कुछ दिनों पूर्व पुराने मंदिर के समीप मैंने भी एक युवराज को देखा, किंतु उस युवराज के शरीर से आधे मनुष्य और आधे पशु की गंध आ रही थी। ये तुम क्या कह रही हो? आधे मनुष्य और आधे पशु की गंध आ रही थी, ये तो बड़ा विचित्र मेल है। इससे भी कई ज्यादा विचित्र मैंने एक और घटना देखी। अमावस की काली रात को देखते ही देखते वो मनुष्य पशु में बदल गया। पशु का रूप धारण करते ही उसने एक मनुष्य को समाप्त कर डाला। मुझे लगा शायद वो हमारी जाति का है, इसीलिए मैंने उसे जाने दिया। सावित्री, तुम उसी युवराज की बात कर रही हो। वही युवराज जो दुर्गेश्वरी के साथ रहा करता था, उसने दुर्गेश्वरी के एक साथी को तड़पा तड़पा कर मार डाला और उसके बाद दुर्गेश्वरी ने उसे स्वयं से दूर कर दिया। तो ये दोनों नाग नागिन दुर्गेश्वरी को भी जानते हैं, किंतु दुर्गेश्वरी के यहाँ वो कौन था जो आधा मनुष्य और आधा पशु था? अब तुम चलो बच्चों से मिल लो, वो तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं। हाँ सावित्री, मुझे भी उनकी बहुत याद आ रही है, चलो चलते हैं। इस जंगल में प्रथम समय दो भली आत्माओं के दर्शन हुए। हमें पूरा विश्वास है कि यदि हमारी इनसे मित्रता हो जाए तो ये हमारी दुर्गेश्वरी या सूर्य प्रताप सिंह से भेंट करा देंगे। जंगल में किसी को भी खोजना बहुत कठिन कार्य है। अब हमें ज्ञात हो गया कि किसी भी राजा महाराजा ने आज तक रूपनगर पे आक्रमण करने का साहस किया। दूर दूर तक रात के अंधकार में मृत्यु के सन्नाटे के अलावा कुछ नहीं। ये क्या?
ये कैसा चमत्कार है? रात के अंधेरे में मशाल लिए ये कैसा विचित्र पहाड़ है? ये कैसे आया है? कहीं हमारा दृष्टि भ्रम तो नहीं? ये हमारा दृष्टि भंग नहीं है, जो हमें दिखाई दे रहा है वही सत्य है। मस्तकहीन वो प्राणी अंधेरे में तीव्र गति से चला रहा है। वो भयानक प्राणी न जाने मनुष्य है कि कोई बुरी आत्मा, भेद का पता लगाना पड़ेगा। क्या रहस्य हो सकता है? जीवन में पहली बार इतना भयानक वृक्ष देखा। किंतु मस्तक और मुख के बिना वो तंत्र का जाप कैसे कर सकता है? कदाचित मर सके वो किसान की आत्मा शत्रु ने तंत्र में ली इस तांत्रिक का सत्ता। तांत्रिक का धड़ वृक्ष में प्रवेश कर गया है। ठीक है, उसका मस्तक हो गया है। आज हमने इस मायावी जंगल का ये रूप भी देख लिया। इससे पहले कि कोई विचित्र घटना घटे हमें स्थान छोड़ देना चाहिए। होने वाली है किंतु नाग नागिन अभी तक नहीं आए।
यदि उजाला होने तक वो नहीं आए तो उनसे मित्रता करने का लक्ष्य हमारा अधूरा रह जाएगा। अच्छा सावित्री, मैं तुमसे विदा लेता हूं, बच्चों का ख्याल रखना। अवश्य रखूंगी, किंतु किंतु मेरी आपसे एक प्रार्थना है। प्रार्थना? कैसी प्रार्थना? यदि आप आज के लिए रुक जाते तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती। वैसे भी आज मेरा मन बहुत घबरा रहा है। सावित्री, यदि मैं ठहर पाता तो मुझे भी बहुत प्रसन्नता होती, किंतु मुझे रूपनगर के जंगल की सीमा तक पहुंचना अति आवश्यक है, क्योंकि वहां राजकुमारी चंद्रमुखी को पाने के लिए अनेकों राजकुमार हमारे जंगलों की सीमा में प्रवेश करने वाले हैं। सावित्री, इन मनुष्यों से हमें सदा सावधान रहना होगा, इसीलिए मैं उन पर दृष्टि रखे हूं, कहीं हमारे बच्चों के साथ कोई अनर्थ ना हो जाए। तो ठीक है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, किंतु किंतु तुम मुझे अधिक प्रतीक्षा मत करवाना। तुम तो जानते हो ना, तुम्हारे जाने के बाद मुझे तुम्हारी कितनी चिंता रहती है। पता नहीं कहीं किसी मनुष्य ने तुम्हें कोई हानि पहुंचाने की कोशिश की तो। सावित्री, तुम्हारे शिव का कोई मनुष्य कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं अपनी रक्षा करने में समर्थ हूँ। कुछ ही क्षणों के पश्चात मैं वापस लौटूंगा, अपना ख्याल रखना। देखो सूर्य देवता का रथ भी किसी भी समय पहुंच सकता है। अच्छा, अब विदा दो, मुस्कुराओ और विदा दो। सावित्री, ये वाली मुस्कुराहट नहीं, अच्छी वाली मुस्कुराहट। विदा। ये क्या, वो नाग बनकर जा रहा है और नागिन स्त्री के ऊपर वहीं खड़ी क्या कर रही है? यदि हमने नाग का पीछा किया और नागिन ने हमें देख लिया तो अवश्य हमारे प्राण ले लेगी। यदि उजाला हो गया तो हम नाग का पीछा भी नहीं कर पाएंगे। देखते ही देखते विलुप्त हो गई, यही मौका है। नाग अभी अधिक दूर नहीं गया होगा। यदि हम उस तक पहुंच गए और उसे हमने अपनी व्यथा सुना दी तो अवश्य वो हमारी सहायता करेगा। विजेंद्र प्रताप सिंह अभी तक रूपनगर की सीमाओं के भीतर ही है, फिर परमवीर सिंह अभी तक उसे बंधक बनाकर क्यों नहीं लौटे हैं? हम परमवीर की प्रतीक्षा करते करते थक चुके हैं, उसकी कोई सूचना क्यों नहीं मिल पा रही? क्षमा करें हुजूर, विजेंद्र प्रताप को पकड़ना हम जितना आसान समझ रहे हैं
वो उतना ही कठिन कार्य है, क्योंकि जो बंधक अकेला ही हमारे कारागार से भाग सकता है वो भला इतनी शीघ्रता से कैसे पकड़ा जा सकता है। कायरों की तरह बातें मत करो जयचंद, विजेंद्र प्रताप सिंह परमवीर सिंह के साहस के सामने कहीं नहीं टिक सकता। परमवीर सिंह के लिए विजेंद्र प्रताप को पकड़ना उतना ही आसान है जितना एक बिल्ली के लिए चूहे को पकड़ना। नहीं हुजूर, दुर्गेश्वरी ने परमवीर सिंह को बंधक बना लिया है। नहीं, यह कदापि नहीं हो सकता। क्षमा करें हुजूर, ये हो चुका है। निशाचरी कभी आपको झूठी सूचना नहीं दे सकती। यदि ये सत्य है तो हम दुर्गेश्वरी के डेरे पर आग लगवा देंगे, उसे और उसके साथियों को हम अग्नि की भेंट चढ़ा देंगे। यदि आपने ऐसा किया तो परमवीर सिंह भी उसी अग्नि में झुलस जाएंगे हुजूर। नहीं, अग्नि तो क्या मृत्यु भी हमारे भाई का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दुर्गेश्वरी ने हमारे भाई को बंधक बनाकर हमें ललकारा है, उसकी ललकार का उत्तर हम अपनी तलवार से देंगे। नहीं हुजूर, अभी समय अनुकूल नहीं है। एक बार परमवीर सिंह स्वतंत्र हो जाए उसके बाद आप जो चाहे कर सकते हैं। दुर्गेश्वरी चाहती है कि विजेंद्र प्रताप सिंह को आप उसे सौंप दें, इसके बदले में वो परमवीर सिंह को आपके हवाले कर देगी। हम उसे विजेंद्र प्रताप सिंह नहीं अपितु तो उसका शव देंगे। आज रात्रि को ही हम उसके डेरे पर आक्रमण कर देंगे, उसे सदैव के लिए मृत्यु की निंद्रा सुनाकर परमवीर सिंह को स्वतंत्र करा लेंगे और महल लौट आएंगे। जयचंद, हमारे सैनिकों से कहो कि आक्रमण की तैयारी करें। नहीं हुजूर, ये कदापि नहीं करना। यदि आपने दुर्गेश्वरी के डेरे पर आक्रमण करने की भूल कर दी तो अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ? कैसा अनर्थ? क्षमा करें हुजूर, दुर्गेश्वरी के डेरे पर बंधक बनाए गए परमवीर सिंह पर दिन रात कड़ा पहरा रहता है और दुर्गेश्वरी के गुप्तचर भी कोसों दूर तक फैले हुए हैं। हम जैसे ही जंगल में प्रवेश करेंगे उसके गुप्तचरों को पता चल जाएगा और दुर्गेश्वरी सतर्क होकर उल्टा हमी पर आक्रमण कर देगी। यदि ऐसा हो गया तो विनाश के सिवा कुछ नहीं बचेगा। निशाचरी ठीक कह रही है हुजूर, ये लड़ाई बल की नहीं अपितु बुद्धिमता की है। दुर्गेश्वरी को शक्ति से परास्त करना मूर्खता होगी, क्योंकि परमवीर सिंह उसके चंगल में है। तनिक सी भी भूल उनके प्राणों की आहुति ले सकती है, इसलिए दुर्गेश्वरी को बुद्धि और छल कपट की तलवार से ही हराना श्रेष्ठ होगा। यदि तुम दोनों की यही इच्छा है तो ठीक है, किंतु याद रहे परमवीर सिंह को स्वतंत्र कराने के पश्चात हम दुर्गेश्वरी को समाप्त कर देंगे। रणवीर सिंह की छाती में दुर्गेश्वरी ने जो अग्नि लगाई है उसे हम उसी के रक्त से शीतल करेंगे। आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी हुजूर, किंतु इस समय हमें परमवीर सिंह को स्वतंत्र कराने की योजना पर तत्काल कार्य आरंभ कर देना चाहिए। यदि देर हो गई तो हानि हमें ही उठानी पड़ेगी। योजना तैयार है। निशाचरी, तुम दुर्गेश्वरी तक हमारा ये संदेश पहुंचा दो कि हम परमवीर सिंह के बदले विजेंद्र प्रताप सिंह को उसे सौंपने को तैयार है। विजेंद्र प्रताप सिंह को सौंपने को तैयार है, किंतु वो तो हमारे कारागार से भाग चुका है, फिर हम उसे लाएंगे कहां से? किंतु इसकी सूचना दुर्गेश्वरी को नहीं है, इसलिए वो आसानी से हमारे जाल में फंस जाएगी। उसने जो दुस्साहस किया है उसका फल तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। किंतु याद रहे, हमारी इस योजना की सूचना महल की दीवारों को भी नहीं होनी चाहिए। हुजूर, हुजूर, आप कहाँ भागे चले जा रहे हैं? हम कब से आपको ढूंढ रहे हैं? हमें ढूंढ रही हो, किंतु क्यों? बताते हैं हुजूर, सब बताते हैं। भले ही आपको हमारी चिंता ना हो, पर हमें तो आपकी चिंता करनी पड़ती है ना। देखो कलावती, ये व्यर्थ की बातें करके हमारा समय नष्ट मत करो। शीघ्र बताओ क्या बताना चाहती हो। हम ये बताना चाहते हैं कि आपके लिए एक बहुत बुरी सूचना है, परंतु समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कैसे बताएं। हमारे लिए बुरी सूचना है, किंतु क्या? बताते हैं हुजूर, आप हम पर इतना क्रोधित क्यों हो रहे हैं? हम तो आपके भले की ही बात कर रहे हैं ना। तो सूचना ये है कि आपके भाई परमवीर सिंह को डाकू दुर्गेश्वरी ने अपना बंधक बना लिया है। क्या? हाँ हुजूर, हमें अभी अभी अपने गुप्तचरों से ये दुखद सूचना मिली है। क्या आपको नहीं पता? कलावती को किसने सूचना दी होगी? कोई आस्तीन का सांप है,
जो हमसे बगावत कर रहा है। कौन हो सकता है? हुजूर, आप तो गहन चिंता में डूब गए। हमें पता था ये सूचना मिलते ही आप सदमे में आ जाएंगे। भाई ही भाई के लिए चिंतित नहीं होगा तो भला कौन होगा? हम ठीक कह रहे हैं ना हुजूर? हमें पता था ये सूचना सुनते ही आपकी बोलती बंद हो जाएगी, और जिसका डर था वही हुआ। कौन है वो? कौन है वो जो हमारी सारी गुप्त सूचनाएं लाकर तुम्हें देता है? बस एक बार हमें उसका नाम बता दो कलावती, फिर देखना हम कैसे उसका मस्तक उसके शरीर से अलग कर देते हैं। यही बात तो वो डाकू दुर्गेश्वरी भी कह रही थी। उसने कहा है यदि आप विजेंद्र प्रताप सिंह को उससे नहीं सौंपोगे तो वो आपके परम प्रिय भाई परमवीर सिंह का सर उसके घर से अलग कर देंगे। कलावती, यदि तुम एक स्त्री ना होती तो हम अभी तुम्हारे प्राण छीन लेते। तुम महल में अपना स्थान भूलती जा रही हो। अपनी सीमाओं में रहो, अन्यथा तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। किसे पछताना पड़ेगा हुजूर? आपको या हमें? आप ये मत भूलिएगा कि इस महल में अब आपका स्थान भी किसी मंत्री का नहीं, अभी तो एक साधारण मनुष्य का है। आप ये मत समझना कि अनाथ कलावती निर्बल है। यदि आपने हमें डराने का प्रयत्न किया तो बहुत हानि उठानी पड़ेगी। कलावती, दूर हो जाओ हमारी दृष्टि से, अन्यथा हमारे हाथों अनर्थ हो जाएगा। वाह हुजूर, वाह! रथ से चल गई पर अकड़ नहीं गई। जिस मनुष्य से उसका मंत्री पद छीन लिया गया हो, जिसके सारी शक्तियों पर अंकुश लगा दिया गया हो, वो अपने राजा के जैसे तेवर दिख रहा है। सच कहें तो आप पर हमें दया नहीं, किंतु आप दया के नहीं घृणा के पात्र हैं। आज के पश्चात अपनी सीमा में रहना हुजूर। यदि सीमा से एक भी कदम आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे तो अपने हाथ जला बैठेंगे। संभाल कर रहना, चलते हैं। आज पहली बार किसी ने हमारे गाल पर अपमान का वो थप्पड़ मारा है जिसे हम जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। अनाथ कलावती की पीठ पर अवश्य किसी शक्तिशाली मंत्री का हाथ है, अन्यथा उसके छोटे से मुख से इतनी बड़ी बात नहीं निकलती। हम कलावती के पंख तो कतरेंगे ही, किंतु उसके कंधों पर कमान रखकर तीर चलाने वाला भी हमारे हाथों नहीं बचेगा। राजकुमारी जी, आज आप इतनी उदास और गुमसुम सी क्यों हैं? कोई कष्ट तो अवश्य बताइए। कष्ट के सिवा अभी हमने देखा ही क्या है अभिमन्यु? अनाथ कलावती और राजकुमारी चंद्रमुखी के दोहरे जीवन से हम तंग आ गए हैं। अब हमसे ये दोहरा जीवन नहीं जिया जा रहा है। राजकुमारी जी, जब तक महल की स्थिति ठीक ना हो जाए आपको इस दोहरे जीवन को जीना ही होगा। नहीं अभिमन्यु, नहीं। अब हमारी सांसें घुटने लगी है। हम अनाथ कलावती का चोला उतारकर फेंक देना चाहते हैं, क्योंकि महल में बैठे शत्रु हमें अनाथ समझकर अपमानित करते हैं। अब हमें वास्तविक रूप में आना ही होगा। अभी वो समय नहीं आया है राजकुमारी जी। महाराज का जब तक आदेश ना हो आपको कलावती के रूप में रहना ही होगा। हम आज ही पिताश्री से अनुरोध करके कलावती के रूप को समाप्त कर देंगे, जिसके कारण हमें अपमानित होना पड़ता है। उसके पश्चात हम महल में छिपे एक एक शत्रु को ऐसा सबक सिखाएंगे जिसके बाद फिर कभी कोई मंत्री हमारे विरुद्ध षड्यंत्र करने का साहस नहीं करेगा। क्षमा करना राजकुमारी जी, अगर आप अपने वास्तविक रूप में आ गईं तो अनर्थ हो जाएगा। आज भी हमारी सेना में सैकड़ों शत्रु छिपे बैठे हैं जो राजवीर सिंह, रणवीर सिंह और वीरेंद्र सिंह के लिए कार्य करते हैं। तो क्या हुआ, हम ऐसे आस्तीन के सांपों को खोज खोज कर उनका मस्तक कुचल देंगे? ये इतना आसान नहीं है। यदि हमारे शत्रुओं को आपकी सच्चाई की जरा भी भनक लग गई तो सेना में विद्रोह फैल जाएगा और हमारे सैनिक हम ही पर आक्रमण कर देंगे। आपसे मेरी प्रार्थना है कि अनुकूल समय आने तक आप प्रतीक्षा कीजिए। प्रतीक्षा करते करते हमारी आंखें पथरा गई हैं। यदि सेना में विद्रोह का डर नहीं होता तो हम सबसे चीख चीख कर कह देते कि हम अनाथ कलावती नहीं अपितु तो राजकुमारी चंद्रमुखी है, किंतु अब हम लाचार से हो गए हैं। पता नहीं कब हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। समय आने पर आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी, बस आप अपना धीरज मत खोना। ईश्वर के घर देर है,
मगर अंधेर नहीं। देखना, एक दिन हमारे शत्रु उसी अग्नि में जलकर भस्म हो जाएंगे जो अग्नि उन्होंने हमारे लिए जलाई। तुम्हारी बातें सुनकर मन अवश्य हल्का हो गया है, किंतु जब तक हम रणबीर सिंह को सबक नहीं सिखाएंगे मन से बोझ नहीं जाएगा। देखते हैं रणबीर सिंह आगे क्या षड्यंत्र करता है। आज एक तुच्छ दासी ने हमारा घोर अपमान किया है जिसे हम जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। उसने हमारी दुखती हुई रगों पर हाथ रखकर जैसे हमें नींद से जगा दिया है। मंत्री पद के जाते ही एक तुच्छ दासी हमें खरी खोटी सुना गई और हम कुछ न कर सके। नहीं, वीर सिंह ये घोर अपमान नहीं सह सकता। एक राजपूत यदि अपमानित हो जाता है तो उसे मृत्यु का वरण कर लेना चाहिए, या फिर जिसने उसे अपमान के घूंट पिलाए हैं उसे मृत्यु के घाट उतार देना चाहिए। कलावती को अब जीने का कोई अधिकार नहीं है। हुजूर, आप इतने क्रोधित क्यों हैं? उस तुच्छ कलावती ने हमारे क्रोध को जगा दिया है जयचंद, इसलिए आज हम उसका वध कर देंगे। कलावती का वध? किंतु एक तुच्छ दासी का वध करके आपको क्या मिलेगा हुजूर? आप एक महायोद्धा हैं, आपके सामने कोई महाबली भी नहीं ठहर सकता। फिर उस दासी के रक्त से आप अपने हाथों को क्यों रंगना चाहते हैं? उस तुच्छ कलावती ने हमारा घोर अपमान किया है। मंत्री पद छिन जाने के पश्चात वो हमें एक साधारण मनुष्य समझ रही है, किंतु वो नहीं जानती रणवीर सिंह एक ऐसा योद्धा है जो कभी हार नहीं मानता। आज हम उस कलावती का मस्तक उसके धड़ से अलग कर देंगे। क्षमा करें हुजूर, किंतु हम आपको पद से बाहर नहीं जाने देंगे। जयचंद, यदि तुम हमारे वफादार सेवक ना होते तो कलावती से पूर्व हम तुम्हारा वध कर देते। रणवीर सिंह का पथ रोकने का साहस कोई नहीं कर सकता। हट जाओ हमारे सामने से। आप चाहें तो सेवक को मृत्यु दंड दे सकते हैं हुजूर, किंतु मैं आपके हाथों एक तुच्छ दासी का वध होते हुए नहीं देख सकता, क्योंकि कलावती आपको अपनी चाल में फंसाना चाहती है। कलावती हमें अपनी चाल में फंसाना चाहती है, किंतु कैसे? आपके शत्रु आपको उकसाकर आपका विनाश करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप क्रोध में आकर कोई ऐसा कदम उठाएं जिससे महाराज के सामने आपको लज्जित होना पड़े। सोचिए हुजूर, यदि आपने कलावती की हत्या कर दी तो महाराज आपके बारे में क्या सोचेंगे? कलावती को मोहरा बनाकर कोई पीछे से चाल चल रहा है हुजूर, इसलिए आप अपने क्रोध को त्याग दीजिए। यदि आप शत्रुओं की चाल में आ गए तो हमारा पतन निश्चित है। तुम ठीक कहते हो जयचंद, यदि आज आवेश में आकर हम कलावती को मौत के घाट उतार देते तो अनर्थ हो जाता, कदापि इस महल में रहना भी कठिन हो जाता। आपके शत्रु तो चाहते ही हैं कि आप इस महल में ना रहें, इसलिए हुजूर आप कलावती के अपमान का उत्तर तलवार से नहीं अपितु अपने चाल से दीजिए। चाल? कैसी चाल? एक ऐसी चाल चलिए जिससे एक ही झटके में आपके सारे शत्रु ढेर हो जाए। एक ऐसा तोड़ सोचिए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अब हम ऐसे ही चाल चलेंगे कि हमारा कोई भी शत्रु उसे पहचान नहीं पाएगा। तुम देखना जयचंद, हमारे सारे शत्रु अपनी ही चाल में फंस कर छटपटाते हुए अपने प्राण त्याग देंगे। महामहिम सुलाने, सच कह रहा हूं, कलावती रणवीर सिंह जैसे योद्धा पर भारी पड़ गई थी। मेरा विश्वास कीजिए, रणवीर सिंह की तो जैसे बोलती ही बंद हो गई थी। नागराज, लगता है तुम मदिरा पीकर आए हो, तुम्हारी चेतना विलुप्त हो गई है। यदि तुम्हारा मस्तिष्क ठीक तरह से कार्य कर रहा होता तो तुम ऐसी भय की बातें नहीं करते। जानते हो, तुम उस रणवीर सिंह की बात कर रहे हो जो एक महायोद्धा है, ऐसा महायोद्धा जिसे बड़े बड़े महाबली भी नहीं हरा सके। उसे एक तुच्छ दासी कैसे हरा सकती है? महामहिम, मैं आपसे असत्य बोल ही नहीं सकता। आपका यह सेवक पूर्ण चेतना में है और जो मैंने आपसे कहा है वो सत्य है। किंतु ऐसे कैसे हो सकता है? एक शक्तिशाली पहाड़ पिघलकर कंकड़ कैसे बन सकता है? जिस रणवीर सिंह को पूरा रूपनगर अपने आगे तुच्छ लगता था, उसे एक तुच्छ सेविका ने कैसे मात दी थी? यदि ऐसे हुआ है तो रणवीर सिंह की कुंडली पलट गई है। हाँ महीम, कुंडली के साथ साथ रणवीर सिंह के नक्षत्र भी पलट गए हैं और विपरीत दिशा में चलने लगे हैं। सारे महल में एक ही चर्चा हो रही है, एक ही चर्चा।
कि कलावती ने रणवीर सिंह को नीचा दिखाकर उसे अपमानित किया है। सारे कर्मचारी आश्चर्यचकित हैं कि एक शेर ने गाय की लात कैसे खा ली। इसका तात्पर्य यह हुआ कि कलावती के पीछे किसी शक्तिशाली व्यक्ति का हाथ है, अन्यथा रणवीर सिंह के सामने गुर्राने का साहस वो कभी नहीं करती। महामहिम, आपने तो जैसे मेरे मुख से शब्द ही छीन लिए। मैं अभी आपको बस यही बताने वाला था कि इस महल में कोई हमसे भी चतुर व्यक्ति छिपा बैठा है जो कलावती के कंधों पर कमान रखकर रणवीर सिंह पर तीर चला रहा है। कौन हो सकता है वो?